निमच निमच टुडे में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज आपसे रूबरू हो रहे हैं एक ऐसी युवा शख्सियत जो कि राजनीति में आए तो नए हैं लेकिन बहुत कम समय में उन्होंने अपना मुकाम बनाया है। वे कांग्रेस से हैं, ग्वालटोली क्षेत्र से आते हैं और नीमच के पीजी कॉलेज जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष रहे। नंदकिशोर पटेल पूर्व विधायक के समर्थक माने जाते हैं, वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस नीमच के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच है राकेश जी अहिर। राकेश जी, आपका हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में स्वागत है। हम सबसे पहले सुबह सवेरे में जो बात करते हैं वो ऑफबीट बात होती है, अलग अलग तरीकों को लेकर होती है। कितने बजे उठ जाते हो, किस तरह से आपकी राजनीतिक की दिनचर्या शुरू होती है? मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ, वॉक करने जाते हैं हम, और वॉक के बाद थोड़ी देर योगा करते हैं, फिर आते हैं घर पर। जो पूरा सेटअप रहता है, नहाना धोना, पूजा करना, उसके बाद अपने काम पे लग जाते हैं। फिर मेरा जैसे कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ तो मैं संगठन को भी पूरे तवज्जो देता हूँ, तो 2 घंटे में गांधी भवन भी बैठता हूँ। जो भी हमारे गांधी भवन में आते हैं उन सभी से चर्चा करते हैं, हम सब साथ बैठकर चर्चा करते हैं। और इसलिए 2 घंटे में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, इसलिए 2 घंटे में डेली गांधी भवन डेली 2 घंटे डेली देता हूँ मैं डेली का। तो गांधी भवन में क्या लोग आते हैं, मिलते हैं? हाँ, सब मिलते हैं। हमारे कुछ वरिष्ठ लोग भी आते हैं और बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, सभी जो भी रहते हैं और जितने भी लोग आते हैं, वो चाय नाश्ता जो भी। आज जब कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में नहीं है, ना नगर पालिका में, ना विधानसभा में, ना लोकसभा में, ऐसी स्थिति में भी संघर्ष करना पड़ रहा है, तो लोग वास्तव में आते हैं? नहीं, देखो संघर्ष करना, मगर पार्टी अपनी जगह है, कांग्रेस पार्टी कोई डूबी नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपनी जगह है और कांग्रेस के समर्थक भी अपनी जगह है। हार जीत चलती रहती है, मगर कांग्रेस का सिपाही कोई कमजोर नहीं है। आज के इस दौर में जब युवा मोदी मोदी कर रहा है, योगी योगी कर रहा है, ऐसे में युवा क्या कांग्रेस से जुड़ रहे हैं? देखिए, युवा मोदी योगी कर रहे हैं तो एक समय होता है जो चलता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अब ढलान आया है, क्योंकि 10 साल मोदी के बाद में भी अभी जो आपने रिजल्ट देखे हैं, 20 सीटें ऊपर नीचे होती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। परिवार में और कोई है राजनीति में आपके? नहीं, परिवार में पहले ताऊ जी ने एक बार चुनाव लड़ा था, बहुत पहले, विधानसभा का नहीं, पार्षद का। अच्छा, जवाहर नगर से। उस टाइम पे दिग्विजय सिंह जी ने फ्री फॉर ऑल कर दिया था। अच्छा, कोई भी लड़ो। उस टाइम लड़ा था जवाहर नगर से, 12 वोट से हारे थे उस टाइम पे वो। अभी और कौन है परिवार में? अभी मेरे से अंकल हैं, वो पार्षद हैं अभी वर्तमान में नगर पालिका में। तो मतलब राजनीति में जैसा कि देखा गया कि आप ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बने, जनभागीदारी समिति अध्यक्ष रहे, मतलब क्रीम क्रीम पद लिए, जो दूसरे कार्यकर्ता वो वार्ड से शुरुआत करते हैं, आप डायरेक्ट पहले जनभागीदारी समिति अध्यक्ष, फिर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, संघर्ष कम रहा मतलब? नहीं, आपको जानकारी नहीं है, मैं वार्ड, हमारे यूथ कांग्रेस का वार्ड का चुनाव लड़ा हूँ, पोलिंग बूथ का चुनाव लड़ा हूँ, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, पोलिंग बूथ का लड़के वार्ड अध्यक्ष बना, फिर उसके बाद मैं ब्लॉक कांग्रेस का महामंत्री बना, फिर यूथ कांग्रेस का कार्यकारी जिला अध्यक्ष बना, फिर मेरी कार्यशैली को देखकर मेरे को जनभागीदारी अध्यक्ष बनाया गया, फिर उसके बाद में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया मुझे। मतलब इतने सारे लोग कांग्रेस में जिनकी जिंदगी गुजर जाती, संघर्ष करते हैं, कांग्रेस की 1.5 साल की सत्ता ही, तो क्रीम पद आपको मिला, किसका आशीर्वाद रहा? देखिए, मेरे जो वरिष्ठ है सभी का आशीर्वाद रहा है, मीनाक्षी जी, नंदू भैया, जो भी वरिष्ठ है सभी का आशीर्वाद रहा है। और बात पद की, क्रीम पद की, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि जनभागीदारी अध्यक्ष में बनने वाला हूँ। जिस दिन नाम आया उस दिन पता चला कि जनभागीदारी अध्यक्ष बन गया हूँ। उससे पहले मेरी ना किसी से बात हुई, ना किसी से मैंने बोला और ना कहीं जाके रिकमेंड करी, कहीं ना कहीं पैरवी तो की होगी? नहीं, एक भी बार मेरे किसी से भी चर्चा नहीं हुई। पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल से नजदीकता का फायदा आपको हमेशा मिलता है? देखिए, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उसमें, तो पार्टी के लोग भी देखते हैं, नजदीक सब रहते हैं और सभी रहते हैं, क्योंकि हमारे वरिष्ठ और पूर्व विधायक भी हैं और मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं। तो अच्छा, ये बताइए,
ब्लॉक कांग्रेस में अचानक नाम आपका आया जबकि दावेदार बहुत थे। अचानक पार्टी ने ही नाम दिया, उन्हें देखा है कि काम अच्छा किया है और क्षमता है, तो उन्होंने मेरे को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया पार्टी ने। और मैं जिस जिम्मेदारी जब जब जो जो जिम्मेदारी मिली है उसको ईमानदारी से निभाया है। और बात करी जाए कि बहुत दावेदार थे तो मैंने, मेरी जितना भी राजनीतिक जीवन रहा है मैंने कभी कांग्रेस के कैंडिडेट और कांग्रेस के खिलाफ कभी काम नहीं किया, चाहे वार्ड का पार्षद चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे कोई पसंद हो या ना हो, जिसने पार्टी ने जिसको बना के भेजा, जिसको दिया, उसका ईमानदारी से काम किया। आज भी कोई यूं नहीं कह सकता है कि मेरे खिलाफ काम किया है। अच्छा, विधानसभा चुनाव से पहले की बात करें, आपको ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, उस समय उमराव सिंह गुर्जर कांग्रेस में थे, वो पावरफुल नेता थे, आपके समांतर ही एक और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोनू लोक्स को बना दिया, और नीमच में पहली बार ऐसा हुआ कि दो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हो गए, और इसको लेकर भी काफी बवाल मचा के ना उमराव गुर्जर ने चुनाव जीतने के लिए अपने लोगों को बनाया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर दो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष होना एक खटास भी रही। नहीं, खटास नहीं रही, ऐसा है कि ग्रामीण में भी दो ब्लॉक हुए थे और नीमच के भी दो ब्लॉक होने थे, तो वो उस टाइम पे नहीं हो पाया, तो उसको कमलनाथ जी से बात हुई इन सबों की और डबल बनाया। तो वास्तविकता है कि उमराव सिंह जी चुनाव लड़ना चाहते थे, तो उनने सोचा कि मैं अपने आदमी को बिठाऊं, तो उनने मोनू को चूज किया, तो वो ठीक भी किया। वो नीमच शहर के लिए एक हमको एससी का नेता चाहिए था, वो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, और आज देखिए हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। ये तो उमराव सिंह गुर्जर के कांग्रेस छोड़ के जाने के बाद है, उससे पहले तो मतभेद थे ना आप लोगों में, वो कार्यक्रम मोनू कार्यक्रम करते थे, आप नहीं जाते थे, आपके कार्यक्रम होते थे, मोनू नहीं आते थे, प्रेस नोट कभी वो जारी करता था, कभी आप जारी करते थे, तो कहीं ना कहीं तनातनी वाला माहौल तो पूरे विधानसभा चुनाव में देखा गया। नहीं, आप देखिए मेरा विधानसभा चुनाव का समय, मैंने पूरा ईमानदारी से उमराव सिंह जी का काम किया, उनके साथ रहा और पोलिंग पर दिन भर, अपने लोगों को अध्यक्ष बनाया। नहीं, जैसे कि दो ब्लॉक बनने थे, अब किसी को भी बनाना तो था, तो उस टाइम में उनको लगा कि मोनू पार्षद, भाभी पार्षद भी है मोनू की मिसेज, तो उनको लगा कि ये ठीक रहेगा, तो उनने उसी को बनाया। अच्छा, नाम भी था मोनू का ऊपर। अच्छा, ये बताइए कि अब कांग्रेस की स्थिति बड़ी विकट है, हमने देखा है कि उमराव सिंह गुर्जर चले गए, उन्होंने चुनाव लड़ा भरपूर तरीके से, जीतने के दावे किए गए, 27,000 वोटों से हारे और चले गए, उसके बाद कांग्रेस में जश्न मनाया गया, तरुण वाईटी के लोगों ने जश्न मनाया, नंदकिशोर पटेल के लोगों ने जश्न मनाया, राकेश अहीर ने जश्न मनाया, जश्न क्यों मनाया? जश्न इसलिए मनाया गया कि जिस आदमी को पार्टी ने दो बार विधानसभा चुनाव लड़ाया, नीमच से नहीं तो मनासा से लड़ाया, फिर नीमच से लड़ाया और रिसेंटली लड़ाया, हार जीत होती रहती है, वो बड़े नेता हैं, उनको ये ध्यान होना चाहिए कि हार जीत कोई मायने नहीं रखती है, पार्टी ने उनको जितना सम्मान दिया है, कांग्रेस ने जितना सम्मान दिया उनको बीजेपी नहीं दे सकती। नहीं, लेकिन इतने बड़े नेता हैं जो मंडी में अध्यक्ष रहे, जनपद में अध्यक्ष रहे, दो तीन बार विधानसभा चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस को तो नुकसान होना चाहिए, आप लोग तो खुशियां मना रहे हैं। नहीं, खुशियां मनाने का ये था कि उनको रिसेंटली विधानसभा चुनाव लड़वाया और फिर भी आपने वो 27,000 देखे, जिस 27,000-26,000 से वो हारे, तो हार उनको ये ध्यान होना चाहिए कि हार जीत मायने नहीं रखती है। नहीं, इसका मतलब ये है कि उमराव सिंह गुर्जर के जाने के बाद तरुण भाईती, राकेश अहीर, भानु प्रताप सिंह राठौर, जो विधानसभा के आने वाले समय में दावेदार हो सकते हैं, उनके रास्ते खुल गए। उमराव सिंह गुर्जर कांग्रेस में देखा एक बड़ा कांटा था। नहीं नहीं, कांटा कभी कोई किसी के लिए कांटा नहीं होता है। उमराव सिंह जी ने भी बहुत टाइम संघर्ष किया, फिर उनको पार्टी ने दो बार टिकट दिया है, तो संघर्ष करते रहो और मेहनत करते रहो तो आपका फल मिलेगा। बस उनने ये, मेरे को ये समझ नहीं आया कि उनने इस तरह का कदम क्यों उठाया। कमलनाथ जी के खास समर्थक थे वो, और ऊपर भी पार्टी में उनका बहुत सम्मान था, और यहाँ रहते तो आज बीजेपी से ज्यादा सम्मान यहाँ रहता, वो उनका पूरा होल्ड रहता, पूरी तरह से उनके समर्थक सब थे, हम सब कांग्रेस। लेकिन वो उनका तो मानना तो ये था ना कि उनको तीन नीमच विधानसभा से दो दो बार निपटा दिया, तीन तीन बार हार गए, और कांग्रेस में उनके खिलाफ एक लंबी
नंदकिशोर पटेल जिस गुट से आप आते वो उनके खिलाफ था, दिग्विजय गुट उनके खिलाफ था, तो कैसे जीत पाते? देखिए नंदकिशोर पटेल ग्रुप गुट या कोई गुट, हमने तो काम किया, उमराव सिंह जी ने पूरा पूरा पूर्ण विश्वास रखा और मेरे को काम सौंपा पूरे शहर का, और शहर से हम कम वोटों से हारे। अच्छा, सभी कार्यकर्ताओं ने नंदू पटेल और उमराव गुजर की जो गुटबंदी है तो काफी लंबे समय से चलती आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि नंदकिशोर पटेल जब विधानसभा चुनाव लड़े थे तब उमराव सिंह गुजर ने काम नहीं किया था, उन पर पैसे लेने के आरोप लगे थे। अब जब उमराव सिंह गुजर चुनाव लड़े तो कहा जाता है कि नंदकिशोर पटेल ने काम नहीं किया क्योंकि उन्होंने बदला लिया। नहीं, बदला लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना, क्योंकि मेरे राजनीतिक गुरु नंदकिशोर पटेल जी हैं, और बदला लेने की बात होती तो मैं काम थोड़ी करता। पार्टी ने काम किया, सभी ने काम किया, और पटेल साहब को जितना काम उमराव सिंह जी ने बताया उनके चुनाव में उनने उतना काम करा बोले, और बैठकर इनकी चर्चा भी हुई, जितनी उनका उपयोग लेना था उतना लिया। और पार्टी का सिंबल लाने के बाद कोई गुट होता ही नहीं है, उससे पहले आप गुट हो सकते हैं, मांग सकते हैं टिकट, सब हो सकता है, मगर पार्टी का सिंबल आने के बाद में कोई गुट नहीं होता है। फिर तीसरी बात यह है कि नीमच विधानसभा इतनी मजबूत विधानसभा है बीजेपी के लिए, ये उस टाइम में भी जब सीटें 10-20 सीटें आती थी, जब भी नीमच विधानसभा में बीजेपी का एमएलए रहता था, तो नीमच विधानसभा के लिए हमारे लिए एक चुनौती है कि नीमच विधानसभा से आपकी जो एमएलए चुनाव लड़ेगा, नीमच विधानसभा से जिता के भेजना है और कांग्रेस की सरकार बनाना है। नीमच नगर पालिका की बात करें, कांग्रेस ने जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ा, 14 पार्षद जीत कर आए, और जब अध्यक्ष की बात आई, क्योंकि आप ब्लॉक अध्यक्ष थे और आप कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन क्रॉस वोटिंग हो गई और कांग्रेस के 8 पार्षद बीजेपी में चले गए। नहीं, मैं उस टाइम पे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नहीं था, ब्रजेश सक्सेना जी उस टाइम पे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ महामंत्री था टीम में। तो ये 8 पार्षद जब बीजेपी में चले गए क्रॉस वोटिंग की, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की है? देखो, क्रॉस वोटिंग में 8 पार्षद या 5 अपन कह सकते हैं, मगर क्रॉस वोटिंग 5 पार्षदों की हुई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब कांग्रेस के पार्षद बिके थे? बिकने का नहीं, क्रॉस वोटिंग हुई थी, ये सभी को मालूम है कि क्रॉस वोटिंग हुई। ऐसा कहा जाता है कि जो कांग्रेस में गद्दारी करता है वही कांग्रेस में आके नेतागिरी करता है, इसलिए कांग्रेस के जो समर्पित लोग हैं वो दूर हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं मेरी बात करता हूँ, मैं समर्पित हूँ, कभी कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं करी, और कांग्रेस ने मेरे को आज जिस पोजीशन पे हूँ वो उससे खुश हूँ। नहीं तो जो 5 पार्षदों ने जो क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी का अध्यक्ष बनाया उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? वो तो अभी भी कांग्रेस में ही है, उन्होंने तो जैसे क्रॉस वोटिंग हुई है उसका प्रमाण नहीं मिल पाता ना कि किसने क्रॉस वोटिंग करी, 14 में से किसने क्रॉस वोटिंग करी, ये आप नहीं बता सकते हो या मैं नहीं बता सकता हूँ। ब्रजेश सक्सेना जी के जो ब्लॉक अध्यक्ष उनके लड़के ने तो ना व्हाट्सएप पे फेसबुक पे नाम चला दिए थे, उसके आधार पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? नहीं, जैसे व्हाट्सएप पे नाम चलाना या कुछ चलना उससे आप साबित नहीं कर सकते हो कि उनने क्रॉस वोटिंग करी है। तो एक दो पार्षद तो ब्रजेश जी के घर पे जाके धमकियां देकर आए थे कि अगर आपने हमारा नाम बताया तो आपको भगाना में रहना मुश्किल कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा हाँ नहीं, जो पार्षद बिके थे वो उनके बेटे को धमकियां मिली, उनको धमकियां मिली, और उसके बाद ब्लॉक मतलब इस नीमच में कांग्रेस की राजनीति में कांग्रेस को ब्लॉक कांग्रेस को खड़े करने वाले ब्रजेश सक्सेना कांग्रेस की राजनीति से दूर हो गया, वो यदा कदा ही नजर आते हैं। नहीं नहीं, मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहे, उनने अच्छा काम किया, हम उनके साथ थे, और आज भी कांग्रेस का जहाँ जहाँ कार्यक्रम और जहाँ जहाँ हम बुलाते हैं वो सक्रियता से करते हैं और डबल ताकत से करते हैं, वो उससे निराश नहीं हुए हैं। उस टाइम से कुछ दिन थोड़ा रहा, उनको दर्द तो होता है राजनीति में, इस तरह का मिलता है धोखा, तो मगर निराश नहीं हुए, वो बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। फिर भी कांग्रेस की जो राजनीति में जिस तरह की स्थितियां बनती हैं कि लोग आते हैं सिंबल लेते हैं चुनाव लड़ते हैं और बिक जाते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, अभी मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूं और पार्षद टिकट मिलने तक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहा, तो हम ऐसे लोगों को चुनेंगे 40 वार्डों में जो कांग्रेस पार्टी के लिए तटस्थता से खड़े रहें, खरीद फरोख्त नहीं हो, और इस तरह के लोगों को चुनेंगे जो पार्टी के लिए दमदारी से काम करते हैं। अभी जैसे अभी नगर पालिका की एक बैठक थी जिसमें व्हिप जारी किया गया था, उसके बावजूद भी 2 पार्षद परिषद की बैठक में पहुंच गए, उसमें कार्रवाई की बात की गई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। उसमें हमने प्रदेश कांग्रेस को और जिला कांग्रेस को अवगत करा दिया था, हमारा काम हमने किया था, और उन प्रदेश कांग्रेस ने भी उन दोनों पार्षदों को लेटर जारी किया है, उनसे पत्रवार्ता की है, इन्होंने भी जवाब दिया है उसमें।
अब ये प्रदेश कांग्रेस के ऊपर है कि उन पर क्या होता है, इनने क्या दिया है ये प्रदेश कांग्रेस के। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपके कांग्रेस में अभी 14 पार्षद है, 14 में से 8 तो उनके साथ लगे रहते हैं अध्यक्ष बीजेपी के खेमे में। दूसरी चीज ये देखा गया है कि जो कांग्रेस के जो दूसरे पार्षद है वो केवल विरोध 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 करते हैं, शहर इतने कोई साथ नहीं देते। नहीं नहीं, शहर में हमने जब धरना किया तो सारे ही पार्षद मौजूद थे उसमें। अब आप बता रहे हैं कि अध्यक्ष के साथ रहते हैं, तो अध्यक्ष के साथ नहीं, एकजुट नहीं है, मतलब आज भी कांग्रेस नहीं। हमने कांग्रेस ने आह्वान किया तो सारे 4-0 पे धरना दिया उन्होंने, सारे पार्षदों ने दिया। और हम, आप बताओ किस मुद्दे पे करना है, हमने नगर पालिका का घेराव किया तो सारे पार्षद मौजूद थे, एक भी ऐसा पार्षद नहीं था जो नहीं मौजूद था। और पार्षद प्रतिनिधि नहीं, पार्षद खुद महिलाएं, हमारे पास जो महिलाएं हैं, महिला शक्ति बहुत मजबूत है। अभी नेता प्रतिपक्ष को लेके एक बवाल चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष केवल स्वयं के हित साधते हैं, वो लोगों के कांग्रेस के पार्षद ही उनके खिलाफ हैं। कांग्रेस के कम से कम 7 या 8 पार्षद भोपाल में लिखकर देकर आ चुके नेता प्रतिपक्ष को हटाओ। आप तक भी शिकायत आई है कि जनहित के मुद्दों का वो विरोध करते हैं, क्योंकि भाजपा की सत्ता है, कांग्रेस पार्षदों को अपने वार्डों के काम भी कराने होते हैं, अगर वो हमेशा विरोध करेंगे तो कैसे वार्डों का विकास होगा। देखिए, हम विपक्ष में हैं और हमारा काम विरोध करना है, बीजेपी अच्छा कार्यों का भी विरोध करना है। अच्छा कार्य क्या होता है आप बताएं, अच्छा कार्य का क्या मतलब होता है? आप नगर पालिका अध्यक्ष का अभी तक 2 साल, आपके नेता प्रतिपक्ष पर तो भ्रष्टाचार के आरोप उन कांग्रेस के पार्षदों ने लगाए कि वे स्वयं के हित साधते हैं, जनहित के कारण वो साथ नहीं देते हैं। नहीं, जिसे हमारे पास, मेरे पास भी कुछ पार्षद आए कि नेता प्रतिपक्ष बदलना है, तो मैंने कहा है कि आप लोग लिख के दीजिए, हम आगे बात करते हैं, ठीक है। फिर नेता प्रतिपक्ष बदलने की बात आती है तो हमारे पास 11 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं, तो हमको परिषद में बीजेपी से लड़ना है, और बीजेपी से लड़ने के लिए हमारे पास दमदार आदमी चाहिए जो वहाँ परिषद में आवाज उठा सके। और ऐसी कोई महिला हमारे पास दमदार रहेगी तो हम उसको भी बना सकते हैं। मतलब महिलाओं में से अभी कोई आपको नजर नहीं आ रहा है कि आवाज उठा सकते हैं? कुछ महिलाएं हैं, मगर अभी अभी मौजूदा हालात में इस तरह से मजबूती से आवाज उठाने वाली। तो नेता प्रतिपक्ष को बदलने में विचार चल रहा है? नेता प्रतिपक्ष एक पार्टी का रहता है, कोई वहाँ अलग से नहीं रहता है, मगर हाँ हमको लगेगा कि नेता प्रतिपक्ष या बदलना चाहिए तो बदलेंगे, और हमको लगेगा कि मजबूती से कांग्रेस पार्टी का मजबूती से वहाँ पक्ष रख रहे हैं तो उसमें उन्हीं को रहने देंगे। सर, दूसरी चीज ये कांग्रेस में अभी वर्तमान में स्थिति है कि कोई भी कार्यक्रम होता है, जैसे अभी ट्रैक्टर रैली निकली थी, 200 लोग नहीं थे, और कोई भी कार्यक्रम होता 50 लोगों से ज्यादा इकट्ठे होते नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो जोश और जो उत्साह है वो नहीं आ पा रहा है। नहीं, देखिए, वो ट्रैक्टर रैली थी, काम का समय था, सोयाबीन का काम चालू हो गया था, और जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या रहती है। नहीं, लेकिन जिस तरह से एक समय तक गांधी भवन में भारी भीड़ जुटती थी, वो भीड़ नहीं जुट पा रही। देखिए, चुनाव का समय अभी है नहीं, संघर्ष का समय है, और संघर्ष के लिए मजबूत लोग हमारे साथ हैं, और जहाँ 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 उपयोग होता है वहाँ सब मौजूद हो जाते हैं। जिस दिन हमारे को लगेगा कि हाँ पूरा है, तो उस दिन पूरा गांधी भवन परिसर भरा मिलेगा आपको, ऐसा। अच्छा, एक और चीज ये कि हम फिर नगर पालिका की बात करें कि नीमच में जमीनों को लेकर कहते हैं कि जमीनें बेची जा रही है, आपके नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि जमीनें बेच रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जमीनें तो कांग्रेस के शासन में भी की है, रघुराज सिंह चौड़िया ने बेची है, वो कांग्रेस के लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, तो फिर भाजपा पर ऐसा आरोप क्यों? पिछले 10 साल से भाजपा का नगर पालिका अध्यक्ष हैं, और जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि राकेश पप्पू जैन ने भी कोई जमीनों का इतना बड़ा नहीं किया, मगर जो अभी की वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो उनके जो संतोष जी हैं उन पर वो प्रॉपर्टी कॉलोनियल धंधा करना कोई देखिए कॉलोनाइजर है नहीं, व्यवसाय करना अगर उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस, तो प्रॉपर्टी का बिजनेस बेच रहे हैं, वो खुद की निजी जमीन खरीद रहे हैं और निजी कॉलोनी काट रहे हैं, वो बेच रहे हैं। उन्होंने नगर पालिका की 1 इंच जमीन नहीं बेची, उसके बाद उन पे भूमाफिया होने का आरोप लगाना क्यों भाई? कोई आदमी के अपना व्यवसाय नहीं कर सकता क्या? देखिए, आपने हमारी बात नहीं सुनी,
मेरा ये कहना है वो कोलोनाइजर हैं, उनको ये पता है कि एक गरीब आदमी को प्लॉट लेकर मकान बनाना कितना मुश्किल है। तो मेरा ये है कि स्वाति चोपड़ा जी से भी निवेदन है कि आप जमीन का ना कर कर गरीब के लिए ऐसी कॉलोनी डेवलप कर। 40 साल बाद नगर पालिका कांग्रेस में नेता दुआ अध्यक्ष रही रघुराज सिंह चौड़िया अध्यक्ष है, वो कभी कॉलोनी नहीं लाए। रघुराज सिंह चौड़िया के समय तो 34-36 का बड़ा भूमि घोटाला हुआ, और अब 40 साल बाद नीमच नगर पालिका ने दो कॉलोनी लेके आ रहे, एक व्यवसायिक एक कमर्शियल, और दोनों कॉलोनी नियम शासन के नियम अनुसार नीमच शहर के लोगों को प्लाट मिलेंगे। लेकिन इसमें भी कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों? कांग्रेस ने तो भूमि घोटाले किए रघुराज सिंह चौड़िया के समय हुए, आज तक 40 साल में कभी कॉलोनी नहीं आई, तो इन चीजों का समर्थन करना चाहिए ना। नहीं, उसमें गरीबों को क्या मिलेगा? अरे वो गरीबों कमर्शियल कमर्शियल प्लाट आप कमर्शियल कमर्शियल के अलावा आवासीय भी है ना, आवासीय भी है, दोनों ही है। कमर्शियल में अगर कोई लेगा तो नीमच शहर का जो व्यवसाय करने वाला लेगा, और आवासीय लेगा तो नीमच शहर के लोग लेंगे ना, बाहर के थोड़ी लेंगे। देखिए कमर्शियल प्लॉट जो बेचने की बात आप कर रहे हैं, कमर्शियल तो बेचना है उनको, सीधा सा मामला है। मेरा आपसे पहले भी मैंने आपसे ये कहा है कि आप ऐसी कॉलोनी डेवलप करो, क्योंकि आप खुद कॉलोनाइजर हो, आप उसको जानते हो अच्छी तरह से कि एक गरीब के लिए मकान बनाना, जमीन प्लॉट लेना, और नीमच शहर में, नीमच शहर इतनी जगह करोड़ों की जगह में भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं, भाजपा की नगर पालिका पे आरोप लगाए जा रहे हैं। पप्पू जैन के समय एक जमीन नहीं बिकी, संतोष चोपड़ा का लगभग स्वाति चोपड़ा का 2 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, एक जमीन नहीं बिकी। रघुराज सिंह चौड़िया के समय मिडवे की जमीन बिकी, खेत नंबर 38 बेच दिया गया, उदयलाल आंजना के लोगों ने खरीद लिया, कांग्रेस के लोग बेचने वाले, कांग्रेस के लोग खरीदने वाले, और आरोप भाजपा पर। तो अभी किसकी सरकार है? अरे अभी तो बेच ही नहीं रहे ना, बेच तो कांग्रेस के लोग रहे हैं। नहीं देखिए अभी सरकार किसकी है? वो क्या बेच रहे हैं? वो तो नहीं, आप बेच ही रहे हो ना। नहीं वो तो कॉलोनी काट रहे हैं ना, कॉलोनी काट रहे हो। कमर्शियल आप प्लॉट बना के शहर कमर्शियल तो कॉलोनी में ले लेंगे। बात सुन लीजिए, कमर्शियल और आवासीय दोनों कॉलोनी है ना उसमें। देखिए गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता है उसमें, कुछ नहीं मिलेगा, आदमी वहाँ ले ही नहीं पाएगा कॉलोनी। आप कैसे आवासीय कॉलोनी को बनाओगे? ये तो कौन मतलब जैसे आवासीय कॉलोनी, देखिए आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं, शासन ने नियम बनाए का ऑप्शन सिस्टम से देना है, तो ऑप्शन सिस्टम से लेने वाला भी सर में। अब वो उसमें ये आप प्रस्ताव रख सकते हो कि इसको ऑप्शन सिस्टम से नहीं करते, लॉटरी सिस्टम से कराए, लेकिन उसका चीज का विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए मेरा ये कहना है कि आपने बस जमीनों का अलॉटमेंट कर दिया कि हम करेंगे। अच्छा, आप मानते हैं, अपना मानते हैं? नहीं, अध्यक्ष ने अपना व्यू कहाँ जाएगा? आप मानते हैं कि कांग्रेस के शासन के समय नीमच नगर पालिका की जमीनें बेची गई हैं? नहीं नहीं, ऐसा रघुराज सिंह चौड़िया कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने नहीं बेची क्या? कॉलोनी रघुराज सिंह चौड़िया ने नहीं बेची क्या? मिडवे बेचा, खेत नंबर 38 बेचा, अगर कॉलोनी बसी है उसमें रहवासी इलाकों में, और बहुत नॉमिनल मतलब वहाँ जाजू नगर कॉलोनी जो 36 और 34 जो बसे हुए, वो उसमें नॉमिनल बिल्कुल गरीब आदमी, ये अपन प्रस्ताव रख सकते ना। अच्छा, जिस गांधी भवन में हम बैठे हैं, कांग्रेस के लोग इस गांधी भवन का लीज नवीनीकरण नहीं करा पाए। रघुराज सिंह चौड़िया 10 साल अध्यक्ष रही है, नीता दुआ 5 साल अध्यक्ष रही, क्या हुआ आज गांधी भवन में? आप स्थिति देख लीजिए पिछले, इसको खुद को बीजेपी चाहे तो कल इस पे कब्जा कर ले, इस पे क्या करेंगे? देखिए कब्जा कैसे करेंगे, लीज निरस्त होगी ना, लीज जमा करानी है, लीज बाकी है। कोई भी हम पार्टी के 10 लोग इकट्ठे होकर लीज जमा करा देंगे। क्यों नहीं जमा कराई अभी? जिस दिन हमको लगेगा कि पार्टी आदेश कर देगी कि आपको जमा कराना, हम 10 लोग इकट्ठे होंगे। वो तो तैयार बैठा ना, आप लोग ही दीदी जमा करा रहे हैं। बिल्कुल, हमारी पार्टी जिस दिन हमको कह देगी कि आप 10 लोगों को जमा कराना। ये बताइए कि रघुराज सिंह चौड़े 10 साल अध्यक्ष रहे, नीता दुआ अध्यक्ष रही, उन्होंने गांधी भवन की का उद्धार क्यों नहीं किया उस टाइम पे? देखिए उस टाइम पे इन लोगों को लीज नवीनीकरण को बढ़ा देना था। अब ये नहीं बढ़ा पाए, ये आप क्वेश्चन उनसे पूछिएगा कि क्यों नहीं बढ़ा पाए। मगर मेरा ये कहना है कि आज लीज बाकी है, जिस दिन तो ताला, भाजपा तो गांधी भवन पे ताला डालने की तैयारी कर रही है। पार्टी ताला डाल ही नहीं सकता है कोई भी, क्योंकि लीज निरस्त होगी, नगर पालिका की है, और आपके कांग्रेस के पार्षद उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि हम तो गांधी भवन शासन को गवर्नमेंट लैंड करते हैं। आप लीज निरस्त नहीं हुई है, लीज जमा करानी है, लीज बाकी है, बस निरस्त हो चुकी है, निरस्त हो चुकी है, लीज जमा करानी है। और जिस दिन हमारे को प्रदेश कांग्रेस कह देगी कि आपको लीज जमा करानी है, उस दिन हम लीज जमा करा। अच्छा, एक आरोप ये लगता है कि कांग्रेस में नेता आते हैं अपना भला करते हैं, कार्यकर्ता का नहीं करते, और वही स्थिति क्या आज कांग्रेस रसातल में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा
नीमच विधानसभा, नीमच लोकसभा बड़ी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और इसमें भी हमारे विधायक रहे हैं, नगरपालिका अध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जनपद अध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत बहुत लोग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रसातल में चली गई है। अच्छा चलिए, हम कुछ अब अलग हटके कुछ क्वेश्चन हम आपसे करते हैं। आपके हिसाब से आपका राजनीतिक दुश्मन कौन है जो आपके करियर में बाधा बनेगा, तरुण भाईती या भानु प्रताप सिंह राठौर? देखिए, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। किसी स्थिति में आप अपना काम ईमानदारी से करिए। जिस दिन आपको पार्टी को आपको लगेगा कि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, मैंने अपना काम ईमानदारी से आज तक किया, तो पार्टी को लगा मुझको जनभागीदारी अध्यक्ष बनाया, पार्टी को लगा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाना था बनाया, आगे जो जिम्मेदारी मुझको देंगे ईमानदारी से करेंगे। और आप कोई दुश्मन का नेता, आपका नेता कौन है, मीनाक्षी नटराजन या नंदू पटेल? मेरा कांग्रेस पार्टी से नाता है। नहीं, नेता कौन है, मीनाक्षी नटराजन की नंदकिशोर गांधी हमारा नेता है? हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन, मीनाक्षी जी मेरी आदरणीय है, नंदकिशोर पटेल मेरे, मतलब मीनाक्षी जी आदरणीय नेता नंदकिशोर पटेल मेरे गुरु है, नंदकिशोर पटेल और मीनाक्षी जी मेरी आदरणीय, उनका आशीर्वाद जीवन भर मेरे पे रहा है, आज तक रहा है और आगे भी रहा है। भाजपा में कौन नेता है जो आपको प्रतिनिधि मानते हैं, जिसको दुश्मन आप समझते हैं, पवन पाटीदार या अन्य कोई? नहीं, मैं किसी को दुश्मन नहीं समझता हूँ, ये अपने अपने पार्टी की रचना के हिसाब से है, वो उसको बीजेपी को समर्थन करते हैं और मैं कांग्रेस को समर्थन करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत। तो आप थे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश अहीर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर डीमैच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में बात की और हर बात का बेबाकी से जवाब दिया। अगली बार फिर सुबह सवेरे में किसी अन्य हस्ती से बात करेंगे, तब तक आप देखते रहें नीमच टुडे और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को सर्च करते रहें और उन्हें फॉलो करते रहें। नमस्कार।